नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो कंप्रेसर होता है कई साल तक बिल्कुल ही ठीक चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और ना ही उसके वर्किंग कैपेसिटी में कमी आती है, और इसी तरह लगातार 2 साल 3 साल 4 साल चलता रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। उसको अच्छी तरह मेंटेनेंस करेंगे तो बिल्कुल ही उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और लगातार कई सालों तक चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर लगातार 3 साल 4 साल चल गया है और आपने कभी भी कंप्रेसर को नहीं खोला है, हेड को नहीं खोला है, नीचे का क्रैंक केस का जो ऑयल है उसे चेंज किया है साफ करके, फिल्टर भी चेंज किया होगा, बट जो ऊपर का हेड है वो नहीं खोला है, तो कभी कभी इसमें ऐसा डस्ट आता रहता है जो काफ़ी इसके रिंग और पिस्टन को नुकसान करता है। तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर 3-4 साल तक 4 साल 5 साल तक कोई कंप्रेसर नहीं खुला हो, उसका हेड नहीं खुला हो और बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, फिर भी आपको ये देखना होगा, हेड को एक बार खोलना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये 3-4 साल तक ये नहीं खुला था इस कंप्रेसर में, ये KC4 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड में बहुत सारे डस्ट और बुरादा वगैरह जो अंदर पाइपों का होता है, वैसे इसमें ये जो हेडर है इसमें स्ट्रेनर होता है, नेट का स्ट्रेनर होता है और साथ में क्लोथ बैग फिल्टर भी होता है जो कपड़े वाला होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते कपड़े का जो फिल्टर है वो फट जाता है और दोबारा इसको लोग लगा नहीं पाते हैं और केवल नेट ही रहने देते हैं, नेट का जो स्ट्रेनर है उसे ही रहने देते हैं। इसके कारण से चलते चलते इसमें काफ़ी इधर से डस्ट आता है और नेट से होते हुए पिस्टन में चला आता है, पिस्टन इसे ऊपर फेंक देता है। इसके चलते आपके जो रिंग पिस्टन है ये भी खराब होने लगते हैं और साथ में जो वाल्व प्लेट है, यहाँ वाल्व प्लेट होता है, वो भी घिस जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसके चलते इसमें से डस्ट होता है, वेल्डिंग का बुरादा होता है, साथ में रेत जो होता है बालू वो भी इसमें आता रहता है और आपके पिस्टन और रिंग्स को बिल्कुल ही खराब कर देंगे। तो इस तरह अगर ऐसा हो तो आप क्लोथ बैग जो फिल्टर है उसे ज़रूर लगा लें ताकि बिल्कुल ही बारीक डस्ट आए, छन कर आए, मोटा डस्ट ना आए। कभी कभी नया जो प्लांट होता है उसमें काफ़ी उसके पाइपों में डस्ट होता है, वेल्डिंग का जो बुरादा होता है वो होता है, साथ में रेत भी होता है, सफाई करने के बाद भी रह ही जाता है उसमें, और वो चीज़ क्लोथ बैग फिल्टर तो उसको छानता है लेकिन कुछ बारीक डस्ट इसमें भी आता रहता है। तो 4-5 साल तक आपका कंप्रेसर नहीं खुलता है तो यहाँ पर इस तरह का जो डस्ट है वो जमा हो जाते हैं। जब क्लोथ बैग फिल्टर होता है तब भी इसमें जमा हो सकता है, लेकिन बारीक होता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें इतना डस्ट है, इतना कचरा है, ये देख सकते हैं, और इसमें बुरादा जैसा है पाइपों का, और इसमें तो पूरा भर गया है, देख सकते हैं पूरा इसमें भर गया है। उसी तरह इसमें भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना भर गया, देखिए ये कचरा देखिए कितना भरा हुआ है, जाम हो गया है पूरा। तो इस तरह का जो कई सालों तक कंप्रेसर नहीं खुलता है, खासकर जो हेड है वो नहीं खुलता है, तो इस तरह का डस्ट आ जाते हैं और इसके चलते कंप्रेसर के ऊपरी भाग में काफ़ी आवाज़ आने लगता है। आपको लगेगा कि कंप्रेसर का आवाज़ काफ़ी बढ़ गया है, इस तरह का आवाज़ हो जाएगा। तो इसे आप एक बार बढ़िया से अच्छी तरह क्लीन करके और सभी पार्ट्स को इंस्टॉल कर देंगे तो इसकी आवाज़ बिल्कुल ही नॉर्मल और स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों कई सालों तक कंप्रेसर का हेड नहीं खुला है तो उसे एक बार खुलवा कर उसे चेक कराना चाहिए और जो भी है उसे साफ़ सफाई करके अच्छी तरह क्लीन करके ही इसे इंस्टॉल करना चाहिए। देख सकते हैं कि कई सालों तक न खुलने के कारण देख सकते हैं कि बुरादा जैसा हो गया है इसके ऊपर भी, और काफ़ी इसके ऊपर कालिक जैसा ये हो गया है, तो ये भी नुकसानदायक है और वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि पूरी तरह काला पड़ गया है। तो इस तरह अगर हो 4-5 साल तक कोई कंप्रेसर नहीं खुला हो ऊपर का हेड, जो KC4 है, KC3 है, चाहे 2 स्टेज का है या तो सिंगल स्टेज का है, तो किसी का भी हो एक बार खोलकर 3 साल में 2 साल में एक बार चेक करना चाहिए, फिर इसे इंस्टॉल करना चाहिए, तब जाकर कंप्रेसर हमेशा बढ़िया काम करता रहता है।
तो यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह कितना डस्ट है, पूरा बुरादा जैसा इसमें लग रहा है, हाथों में लग रहा है इतना, मतलब अंदर बुरादा है। इसके ऊपर केवल गैस्केट लगता है, ठीक है, खोलने के बाद और कुछ नहीं लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।